बस कर ले मामा, वीडियो शुरू हो चुकी है गधे। ओह माय गॉड यार, मजा आया भाई घोड़सवारी करके। क्या हो गया, कभी घोड़े के ऊपर तो बैठे कि नहीं बैठे? ओपे क्या, घोड़े की पार्किंग नहीं होती, डंगर कहीं क्या घोड़े की पार्किंग? अच्छा मेरी बात सुन तू, ये तो घोड़ा तो मेरा है ना, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? ये मेरा घोड़ा है, रुक मैं भी देख के आता हूँ। अबे मेरा घोड़ा, तेरा घोड़ा वो दूसरे वाला था। तो चलिए गाइस, एक बारी फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल जुबानी पर। मेरा नाम है पम्मी, और आगे बढ़ने से पहले प्लीज एक छोटा सा एक छोटा सा सब्सक्राइब तो बनता है इस बटन के लिए। तो सब्सक्राइब का बटन देख रहे हो ना, सब्सक्राइब का बटन देख रहे हो, तो आपने ऐसे 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 दबाना है इसको, सब्सक्राइब का बटन। तो गाइस आज की प्लानिंग एकदम सिंपल है, तो वीडियो के ऊपर थोड़ा बहुत खर्चा मैंने भी आज कर लिया है, और आज हमने 3 ब्रांड न्यू बिल्डर्स हमने हायर करके रखे हुए हैं, और उन 3 बिल्डर्स ने 3 घर बना कर रखे हैं, एक सस्ता, एक महंगा और एक आलीशान बंगला। ओह यस, आलीशान बंगला। सबसे पहले आज मैं आपको सबसे सस्ता वाला घर दिखाऊंगा। तो ये घर जो एक्चुअली मैंने बाय करके रखा है, ये मैंने बाय किया $3 या $4 दे के, ये घर मैंने बाय करके रखा हुआ है, और एकदम बिल्कुल बेसिक घर। लेकिन मुझे ये छोटे वाले घर, और ये छोटे वाले घर मेरे को बहुत पसंद है यार, यू नो दिस लाइक स्मॉल, ये पता नहीं कौन सा फीचर है, इसका मतलब क्या है, लेकिन फिर भी मुझे देख के अच्छा लग रहा है। इससे बड़ा पब्लिक टॉयलेट है, पब्लिक टॉयलेट का लगता है। इस घर के ऊपर कितना खर्चा किया, ये स्टोन ब्रिक्स लगाने में, ये स्टोन ब्रिक्स लगाने में कितना टाइम लगता है? मैं तेरे को जूता मार देना, मैंने तेरे को, ये पीछे देखो क्ले कितनी मुश्किल से लगती है, तेरे को पता है? ये क्ले पॉट्स बनाने पूरी जिंदगी बीत जाएगी, क्ले पॉट्स नहीं बनेंगे। और पिस्टन, यो खतरनाक, वैसे अंदर से, वैसे गाइस ये सिर्फ एक बंदे का घर है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बेड पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हल्का सा फर्नेस, क्राफ्टिंग टेबल, देखो क्राफ्टिंग टेबल क्या दिमाग लगा कर रखा, क्राफ्टिंग टेबल जमीन के अंदर, ताकि जगह भी बच जाए और मतलब कि घर भी मतलब कि छोटा ना पड़े। साथ में हाँ मैं देखा है मैंने, तो साथ में एक छोटा सा टेबल, छोटी सी कुर्सी, एक फर्नेस, एक टॉर्च पड़ी हुई है, और यहाँ पर नीचे गाइस, नीचे करो गैस करो क्या है, तो नीचे है हमारी सीक्रेट अंडरग्राउंड, एक छोटी सी स्टोरेज, एकदम बढ़िया। आई रियली लाइक दिस गाइस, मैं एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना ये घर सर्वाइवल के अंदर बना कर रखे, क्योंकि मुझे ऐसे छोटे छोटे घर जो हैं गाइस बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं, और रात भी हो चुकी है यार। तो एक बार फिर से गाइस सो के आ गए, हमने कमांड नहीं मारी। ओके तो ये वाला घर है, ये वाला घर गाइस आई थिंक मैंने $30 या $40 लेके बनवाया था, और भाई साहब ये $30-40 वाला घर इतना बड़ा, तो मेरे को ये देखना कि जो आलीशान खतरनाक वाला घर है जिसके ऊपर हमने $200-300 खर्च करके रखे हैं, वो कितना बड़ा होगा। यो ये तो एकदम बंगला लग रहा है मेरे को, तू ले ले, तू ले ले, तू ले ले छोटा सा। मैं तो मुझे ये देखना कि बड़े वाला घर कितना बड़ा होगा। तो गाइस ये वाला घर उस बंदे ने एक्चुअली स्नो से बना कर रखा है यार एकदम, और दुबई सिटी के अंदर स्नो तो एकदम 2 सेकंड के अंदर पिघल जाएगी यार। तो अगर पीछे से आकर देखे तो यहाँ पर गन्ने के खेत लगे हुए हैं, लोग $50-$30 तो गन्ने कर दिए अब रहन दे यार, इतने पैसे दे के रखे वो भी गन्नों के लिए, जाने दे यार। और यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी हुई है, और खिड़कियों के अंदर से छोटे छोटे ग्लास, अंदर आके देखते हैं। मेरे को तो भाई ये घर पूरा चेकआउट करने के लिए एक पूरी सेपरेट सी वीडियो बनानी पड़ेगी। ओके अंदर कुछ है ही नहीं। अबे चूना लग गया, अंदर कुछ भी नहीं है। अरे काम करते हैं, यहाँ से पहले ऊपर जाकर देखेंगे, और ऊपर भी भाई साहब चलो ऊपर थोड़ी बहुत डेकोरेशन करके रखी हुई है। तो ये है गाइस हमारा छोटा सा लिविंग रूम, एक छोटा सा, मैंने मुझे बोलना था कि फ्लैट स्क्रीन टीवी है, तो ये फ्लैट स्क्रीन टीवी नहीं है, और ये टीवी का स्विच भी लगा हुआ यहाँ पर, ये डबल साइड टीवी है, पीछे से भी देख सकते हो, लोग पागल हो चुके हैं। ओके यहाँ से आप पूरा जंगल का नजारा भी आप ले सकते हो, एकदम बढ़िया। और यहाँ पर अंदर गन्ने क्यों लगाते हो यार, डायमंड लगाओ यहाँ पर। ओके अगर गाइस यहाँ पर आकर देखो तो घर के अंदर लिविंग रूम के अंदर से एक छोटा सा डोर जा रहा है, और ये छोटा सा डोर मेरे को लग रहा है बाथरूम होगा। ओ भाई साहब एक्चुअली ये बाथरूम का एक बंदा लाउड है, बाथरूम है काम अच्छा, ये कुछ कुछ तो वाकई में कितनी बड़ी टॉयलेट है यार इसकी, ये तो इस ए ए ए, ए बदबू मेरे को यहीं तक आ रही है। और अगर यहाँ पर जाकर देखो तो गाइस यहाँ पर बैठने की जगह, और यहाँ पर एक और जंगल टाइप नजारा आप ले सकते हो, कितना जंगल दिखाएगा मेरे को यार, ये मेरे को समझ नहीं आ रही कितना जंगल मेरे को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये घर वाले। यहाँ पर क्या है, और यार ये खतरनाक है, आई थिंक ये एक गेमिंग रूम है, यहाँ पर आप बैठ के 3-4 बंदे जो है यहाँ पर गेम कर सकते हैं, जो कार्डबोर्ड गेम होती है, तो जैसे लूडो वगैरह होगी वो यहाँ पर बैठ के खेल सकते हैं। सिर्फ 2 लोगों की जगह है, लूडो 2 लोग खेलते हैं,
दिमाग मेरा खराब मत कर मेरी वीडियो। मैंने नहीं खेलनी यार, मैं जा रहा हूँ यार। ये कि ये है हमारी छोटी सी किचन। वैसे किचन तो वैसे पक क्या रहा है, कुछ भी नहीं पक रहा यार। जब कुछ पक नहीं रहा तो ये फर्नेस कैसे ऑन है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। ओके अगर यहाँ पे आके देखो जो किचन के अंदर भी गाइस, अरे यार किचन की बालकनी तो एकदम जबरदस्त है। यहाँ से हम पूरे दुबई सिटी का नजारा ले सकते हैं। वैसे किचन सही बनाया है इन लोगों ने यार। तो ये देखो बिल्कुल बैक रेस्ट के लिए भी यहाँ पे इन्होंने पूरी सुविधा दे के रखी हुई है। और फाइनली ऊपर लूटो यहाँ पर ताज। यो ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा मस्त वाला शावर लग रहा है। अरे कितनी देर को, तो हमेशा टॉयलेट के ऊपर ही बैठना होता है। हर एक घर के अंदर पहले सबसे पहले टॉयलेट चेकआउट करके आएगा। अरे यार ये डिजाइन एकदम जबरदस्त है। तो गाइस मुझे लग रहा है कि ये वाला घर हमने पूरा चेकआउट कर लिया। ये एक और आलिशान जगह है, बस बस यही है। तो अभी हमें फाइनली जाके बड़े वाला घर चेकआउट करना है, और जो की है उस तरफ आने वाला लॉग ही आने वाला। आई एम सो एक्साइटेड फॉर द मेरे को तो पता नहीं ये एक घर है कि 500 घर है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रही। यो व्हाट द हेल, ये पूरा एक घर चल बे तेरे लिए। और पूरा एक घर हमारी दुबई सिटी से भी बड़ा है यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पर भी चीजें लगा कर रखी है, घर के अंदर घर, उसके अंदर घर, व्हाट द हेल। और यार ये यहाँ पर कितने छोटा सा मस्त वाला कॉटेज सा बना कर रखे है। ये देखो पानी के नीचे भी घर बना है। नो वे, मुझे समझ में नहीं आ रही कि इस घर का मैं टूर शुरू कहाँ से करूँ और खत्म कहाँ से करूँ। आई डोंट नो उसकी मेन एंट्रेंस कहाँ पे है। और पानी के नीचे, व्हाट भाई, पानी घुसना कहाँ से, तू घुस कहाँ से रहा है। अबे वॉटरफॉल के अंदर से घर के अंदर जाएगा तो गीला नहीं होगा। ये आते ही किचन गाइस, ये देखो छोटी सी किचन यहाँ पे बनी हुई है। और किचन के अंदर नीचे, ओ भाई लॉगी हमें लगता है 500 वीडियोस बनानी पड़ेंगी ये घर का टूर करने के लिए। और नीचे आके देखिए, ये बेडरूम है, ये क्या है, ये एक्वेरियम वाली फीलिंग। और ये स्नूकर रूम है, ये देखो ग्रीन ग्रीन बना हुआ और यहाँ पे पॉकेट सी बनी हुई है यहाँ पर। हाँ यहाँ पर ये बॉल्स गिर सकती है, वो स्नूकर की जो बॉल्स होती है ना, जल्दी कर ऊपर। अरे भाई रूम्स के अंदर और रूम्स बने हुए हैं यार, मैं तो पूरा घंचक। और स्टोरेज देख कितनी बड़ी है, भाई। ओके तो गाइस हमने एक लाइब्रेरी और स्टोरेज रूम खोज लिया। लॉगी हमें इस घर का पूरा टूर करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगने वाला। कमॉन कमॉन कमॉन, किचन के बाद हम यहाँ पर आ चुके हैं बालकनी के अंदर। और बालकनी के अंदर एक और रूम है जिसके अंदर एक और लाइब्रेरी है। आई एम गेटिंग कंफ्यूज, मुझे एक्चुअली में पता। और एक और लिविंग रूम है, तो यहाँ पे सोफा पड़ा हुआ है, यहाँ पे ग्लास का टेबल और साथ में ग्लोस्टोन और रेडस्टोन मतलब ऑब्सिडियन का टीवी। अरे कितना बड़ा घर है भाई, मैं अपने घर के अंदर खो चुका हूँ, मेरे को तो समझ नहीं आ रही यहाँ पे कौन रहेगा। और रे भाई कहाँ पे सीढ़ियाँ लगा के, व्हाट द हेल, ऊपर ऊपर आते कैसे हैं भाई। ऊपर एक और, यहाँ पे लोग देखे एक और टीवी और एक और लिविंग रूम। गाइस आई एम गेटिंग कंफ्यूज, आई एम लिटरली कंफ्यूज। अगर आप भी, ये बेडरूम कहाँ से आ गया, गेमिंग स्टूडियो। अरे बेडरूम की तो प्लानिंग भी नहीं थी, बेडरूम के अंदर एक व्हाट द भाई। तो आई थिंक ये गाइस सारा एक ही कमरा, तो बेडरूम साथ में बेडरूम के साथ जकूजी और ये अपनी बेडरूम की प्राइवेट बालकनी। अरे भाई एक बेडरूम कितना बड़ा है, अभी तो हम उस तरफ भी नहीं गए। और पता नहीं जाने अनजाने में गाइस अभी हम यहाँ पर टेनिस कोर्ट के अंदर आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ से आके देखूं, और ये कौन सा, ओ मैन ये है क्या, नहीं ग्लास मत तोड़ियो ये। और ये कैसे कर रहा है ये लौंडा, इतना आलिशान घर इसने कैसे बना कर रखा यहाँ पे अंडरग्राउंड में, क्या वो नीचे। ओ ये है क्या, तो मतलब कि आप नीचे से भी एंट्री बना कर रखी है। यहाँ पर बोट रखते हैं भाई, बोट। यहाँ पे बोट पार्किंग हो गई है। ओके तो लास्ट टाइम मैंने ये जगह चेकआउट की थी, यहाँ पर एंड पोर्टल लगी थी। अभी मुझे जाना है इस तरफ, तो यहाँ पर है ब्रोइंग स्टैंड प्लस किचन प्लस, ओ तेरी खाओ 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 खाओ, ओ माय गॉड। मतलब ऐसे खुले आम डायमंड रखी है? नहीं ये खुले आम डायमंड रखने का पर्पस पता है क्या है, ताकि उसको केव वाली फीलिंग भी आनी चाहिए। वाइन्स वगैरह भी लिखी है उसने, डायमंड्स एमरल्ड गोल्ड के इंगट्स मतलब नॉट इंगट्स ओर्स वगैरह सारे रखे हुए। और गाइस ओपन बारबेक्यू, मतलब कि यहाँ पर आप बैठ के बारबेक्यू एंजॉय कर सकते हो, सी व्यू भी ले सकते हो। और ये पता नहीं सी है, पॉन्ड है, नदी है, मेरे को तो कोई ये समझ में नहीं आ रहा। कितना बड़ा घर है ये भाई, यहाँ पर देख, आई डोंट नो अंदर। ये रे ये रे ये रे ये रे ये रे, इधर 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 भाई साहब, व्हाट द हेल यार, ये क्या मेंशन है, ये क्या है, वो भाई। गाइस ये घर का रिव्यू करना मेरे बस के बाहर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 90% चीजें मैंने मिस कर दी है। कमरों के अंदर पूरे कमरों, ये कैसा शावर है, लीकेज चल रही है यहाँ पर। तो मेरे को एक्चुअली में लग रहा है कि उसने हमारे लिए एक बहुत बड़ा होटल बना कर रखा हुआ है।
यस, कमरों के अंदर कमरे, उसके अंदर कमरे, उसके अंदर कमरे, कमरों के अंदर और कमरे। ओ माय गॉड, एपिक है यार, एकदम एपिक। कहां? ओ ये जिम है। और ये देखो एक्सरसाइज की जगह बनी हुई है यहाँ पर। यहाँ पर आपके डंबल्स और वेट्स वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं। यहाँ पर आप कुछ और ट्रेडमिल, आई थिंक ट्रेडमिल हो सकता है, ये देख लो ये वाला। तो ये ट्रेडमिल कहाँ भाग रहा है? मैं पीछे भी सीढ़ियों के नीचे रिपोर्ट बना है, मैं पीछे भी नहीं गया। ये देखो मैन, ये क्या है? ये देख, एक छोटा सा गार्डन घर के अंदर, और यहाँ पर आई डोंट नो, मैं एक्चुअली मैं गुम हो चुका हूँ भाई साहब। कितना बड़ा घर बना कर रखे, वो एकदम एपिक। तो चलिए गाइस, ये था द मोस्ट एक्सपेंसिव घर अब तक का दुबई सिटी में। और यहाँ पर भी लाइब्रेरी है को तो पता भी नहीं है, शिट यार। तो एक्चुअली गाइस, मैं वीडियो के बाद मैं कुछ टाइम यहाँ पे बताऊंगा, मुझे एक एक चीज चेकआउट करनी है। तो चलिए गाइस, अगर आपको ये छोटी सी वीडियो में मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।